हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से दो बड़े विज्ञापन जारी किए गए हैं। टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित PGT, TGT, PRT, बालवाटिका टीचर्स की वैकेंसी है और साथ में जो है प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेटर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो है दूसरे विज्ञापन में वैकेंसी आई हुई है। पूरा जो है प्रोसेस देखेंगे, कैसे जो है यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, एज क्या कही गई है, वेतन जो है क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, यहाँ से जो वैकेंसी है तो इसमें होम पेज पर ही आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेटर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ठीक है। दूसरा जो विज्ञापन है जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 मुंबई, यहाँ से वैकेंसी है और इसमें जो वैकेंसी है प्री प्राइमरी टीचर्स की यानी बाल वाटिका टीचर्स की वैकेंसी भी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है TGT, PGT। तो चलिए एक एक करके दोनों ही जो है विज्ञापन देखेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सबसे पहले जो है प्रैप टीचर फॉर बाल वाटिका, यदि आपने नर्सरी शिक्षक शिक्षा, प्री स्कूल शिक्षा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम में DECED में डिप्लोमा किया है या उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष या 2 वर्ष है, यानी 1 वर्ष वाले भी और 2 वर्ष वाले भी, BED किया है नर्सरी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपने पढ़ी हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैप टीचर के लिए, बाल वाटिका टीचर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के साथ में। PRT के लिए 12th 50% मार्क्स के साथ में आपके पास, साथ में जो है प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, DLED हो, DED हो या BLED हो, तो आप प्राइमरी टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं। TGT के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल कैंडिडेट के लिए आवेदन आप करेंगे तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। दूसरा स्पेशल एजुकेटर टीचर की जो वैकेंसी है तो BED आपकी विशेष शिक्षा में होनी चाहिए या BED विशेष शिक्षा के अलावा किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। TGT मैथ्स एंड फिजिक्स की जो वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन के साथ में BED, TGT हिंदी संस्कृत के लिए भी जो है ग्रेजुएशन हिंदी या संस्कृत में साथ में BED, सोशल साइंस के टीचर के लिए कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में से 2 के साथ BA ग्रेजुएशन में, यानी आपके जो है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट रहे हों जिनमें से कोई भी इतिहास या भूगोल तो कंपलसरी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो भी TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपने इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिसमें से एक हिस्ट्री या एक ज्योग्राफी तो कंपलसरी है। TGT इंग्लिश की वैकेंसी है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश जो है आपने 3 साल पढ़ी हो, साथ में BED, बस इतना ही मांग रहे हैं। टैट या CTET जो है इसमें नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन और भी चेक कर लेंगे आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर टैट या CTET जो है वो बिल्कुल नहीं दिखा। चलिए नेक्स्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी है PGT में इंग्लिश, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए है। इसमें क्या मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री के साथ में BED, ठीक है, मास्टर डिग्री के साथ में BED मांग रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो ये जो वैकेंसी है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई से है। 19 अगस्त 2024 का ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है, पहले भी वैकेंसी जो है लास्ट ईयर आई थी, अब इस साल जो है अभी निकाली गई है अगस्त में। सैलरी और एज आप देखें, PGT के टीचर की जो सैलरी है 27,500 पर मंथ, या फिर अगर पीरियड वाइज आप पढ़ाते हैं तो 220 रुपीज़ प्रति पीरियड, ठीक है, पर पीरियड जो है आपके इसमें आपको सैलरी मिलेगी और एक दिन में जो है आप 5 पीरियड ले सकते हैं। उम्र इसमें जो
मेल होंगे उनकी 50 ईयर है और वुमेन की 55 ईयर है। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के तो उनकी 65 ईयर एज रहेगी। टीजीटी में सैलरी 26,250 है, यदि आप पीरियड वाइज पढ़ाते हैं तो 210 रुपीज़ जो है पर पीरियड रहेंगे। 45 ईयर मैन की और 55 ईयर वुमेन की इसमें आयु सीमा है। प्राइमरी टीचर संगीत की जो वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर में यानी सभी सब्जेक्ट में नहीं है वैकेंसी, संगीत में ही है केवल, ठीक है। इसमें जो है 21,250 सैलरी रहेगी और पर पीरियड जो है 170 रहने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 5 पीरियड जो है ले सकते हैं अगर आप पर पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाते हैं। 40 ईयर मैन की और 50 ईयर वुमेन की इसमें एज लिमिट रहने वाली है। तो हमने क्वालिफिकेशन देख ली, वेतन देख लिया, आयु सीमा देख ली है। नेक्स्ट जो है देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। अभी दूसरा नोटिफिकेशन भी देखेंगे। इसमें जो है लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षा के लिए यानी रिटन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू रहेगा। स्थान, तिथि और समय जो है पहले से ही तय कर दिया गया है। रिपोर्टिंग का समय बता दिया गया है, कब पहुंचना है आपको। मुंबई में जाकर ही जो है इंटरव्यू रहेगा। टीजीटी के लिए 27 अगस्त को जाना है आपको। और प्रैप टीचर्स के लिए, बाल वाटिका टीचर्स के लिए भी जो है 27 अगस्त को, पीजीटी के लिए भी 27 अगस्त को और पीआरटी के लिए भी 27 अगस्त को। तो 27 अगस्त को आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। टाइम सबका अलग अलग है, आप देखें 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा टीजीटी और प्री प्राइमरी टीचर्स का, और 11 बजे से 12:30 पीजीटी के टीचर्स का रहेगा और पीआरटी के टीचर्स का, ठीक है। स्किल टेस्ट का जो टाइम होगा ये भी जो है आप देख सकते हैं 8 बजे रहेगा। लिखा है लिखित परीक्षा का जो रिज़ल्ट है उसी दिन 5 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के लिए संबंधित विषय यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 50% या उससे अधिक और 45% या उससे अधिक SC ST OBC दिव्यांग के लिए, 50% जो है जनरल कैटेगरी के लिए। अंक प्राप्त करना जो है अनिवार्य होगा, उसके बाद ही जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। जो भी लिखित परीक्षा में इतने अंक लाएंगे यानी 50% जनरल कैटेगरी और 45% जो है SC ST OBC दिव्यांग, तो उनका जो है यहाँ पर कौशल परीक्षा होगी। रिजल्ट भी उसी दिन आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई फीस नहीं है, सैलरी जो है वो बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय। तो ये परमाणु ऊर्जा जो है इसमें आगे लगा है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय के नाम से है एवं कनिष्ठ महाविद्यालय, ठीक है। यहाँ से वैकेंसी है, मुंबई जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर लेटेस्ट इवेंट में दोनों चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे अभी ये, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे है, ठीक है। ये इस तरीके का जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जब आप लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिखा है उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के दिन संबंधित परीक्षा केंद्र में संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ आयु, योग्यता, अनुभव, पत्राचार के पते का विवरण देते हुए आवेदन पत्र जमा करना होगा। यानी उसी दिन जो है 27 को ही आप लोगों को जो है अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी के साथ में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको जाना है। गूगल फॉर्म भी है, इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी से अनुरोध है कि इस विज्ञापन के साथ जो गूगल फॉर्म है इसके जरिए लिखित परीक्षा से पहले ही अपना पंजीकरण
करवा लें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और भी जो आप देख लें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसका जो है यहीं पर जो है लेटेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे लेटेस्ट इवेंट में एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टीजमेंट दोनों मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो है, जो कि प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेटर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो केवल यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके सामने आ जाता है। इसमें भी हो सकता है उसी दिन रिटर्न एग्ज़ाम हो या फिर ना हो, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, आप जो है अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगा, तो आप अप्लाई कर देंगे। बाकी ग्रेजुएशन वाले, आपको पता है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ट्रांसलेशन में जो है आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा हो, स्पेशल एजुकेटर वाले जो हैं स्पेशल एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है मास्टर डिग्री बीएड एमएड वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, दोनों ही नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भी राज्य की वैकेंसी आती है, बिल्कुल आप लोगों तक बताई जाएगी। ये जो वैकेंसी थी तो ये मुंबई में थी।